भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। सर, राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कैसे संभव होगा राम? मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे, हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हों, सब प्रसन्न हों, उस रास्ते पर चलेंगे सब। सर, आज राहुल गांधी को मंदिर में एक दर्शन करने जा रहे थे, अपनी यात्रा के दौरान उनको रोक दिया गया है, वो धरने में बैठे हैं। जहां सम्मान न मिले वहां जाना नहीं चाहिए। सर, एक हत्या हुई है, में बहुत बुरी तरह से मोटरसाइकिल से घसीट कर मारा गया है, इस राम राज्य के बारे में मतलब कुछ कहेंगे सर आप? कहाँ पर? नोएडा में कल एक लड़के को चाकू से मारा गया, फिर उसको मोटरसाइकिल से घसीटा गया। देखिए, वो समय नहीं है उन बातों को चर्चा करने के लिए, इस समय नहीं है कि हम उन बातों पर चर्चा करें, लेकिन घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रही हैं। और कई मौकों पर मैंने ये कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों की कानून व्यवस्था जीरो हो गई है, न केवल नोएडा बल्कि आजमगढ़ से खबर आई थी कि एक व्यक्ति को पीट पीट करके पुलिस ने उसको मार दिया। तो जो प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर वन हो, माताएं बहनें सबसे ज्यादा असुरक्षित हो, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर, घर घर में बेरोजगार बैठे हो, तो सोचिए हमें किस रास्ते पे चलना होगा। सर, गठबंधन को लेकर क्या बातचीत? अब छोड़िए, अब बाद में बात करेंगे।